अलीजे मेरी आंखों में बहुत बुरी लाइट लग रही है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। ये लो रो मत। मैं कह रही लाइट लग रही है तेरा को। ओके भाई साहब कुछ भी नहीं है, बस क्या है, ठीक है, बस हो तो गया। गाइस ये रहा अलीजे का फोन, ये फुल पैस्ड आउट। सही है, यहाँ से देख सकते हो ना इसकी हालत हो गई है बहुत खराब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब, किसी तबीयत है? तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे ना पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है बिकॉज मुझे ना ये बाइक में चढ़ने की और बैठने की आदत नहीं है ना, तो अभी ना मेरे पैरों पे, मैं आप लोगों को दिखा तो नहीं सकती लेकिन इतने बड़े बड़े नील हैं दोनों पैरों पर, तो अगर जूम करके दिखा सकती होती तो दिखाऊंगी लेकिन बहुत बुरा हाल है। सो अभी मैं उठी थी, मैं उठ गई थी 9 बजे उठ गई थी, लेकिन उठना ये वो बहुत ही वो लग रहा था। अभी हम लोग बाहर आकर बैठे हैं ऐसे, ठीक है, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है। आयुष जो है वो जो ड्राइवर दाई थे ना उनका हिसाब किताब करके अभी आ रहा है, तो आई थिंक हम लोग साथ नाश्ता करेंगे उसके बाद लेट्स सी क्या प्लान बनाएंगे। आयुष बोल रहा था कि वो बाहर डिनर पर लेकर जाएगा मुझे, लेकिन लेट्स सी क्या होता है बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका है, या तो लाइव के बाद जाएंगे, लाइव से पहले तो फिर डिनर का टाइम नहीं होता ना। लेट्स सी क्या होगा। आज मौसम भी बहुत क्यूट सा हो रहा है ना मम्मी, धूप बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए बाहर हम लोग बैठे हुए हैं मस्त, उसी का वेट करें, देखते हैं कब तक आते हैं। आयुष ने बोला 10 मिनट तक आऊँगा, तो अभी 1:12 और है, लेट्स सी, मुझे लगता है 1:40 तक आएगा वो। ओके गाइस, सो आयुष सिंह ठाकुरी जी आर रिपोर्टिंग, आयुष सिंह ठाकुरी, और ये रहे हमारे मोटू। मोटू की इधर आज गिफ्ट आई है दूर से कहीं, तो मोटू इधर अनबॉक्सिंग कर रहे फिर से, ड्रेसी ड्रेस यार, सब कपड़े ही कपड़े, इतने ज्यादा कपड़े यार, सब दुकान ही खरीदे के भेज देते यार लोग तो यार, मोटू के लिए तो, मेरे लिए तो एक चड्डी भी नहीं। कहाँ है चड्डी? रेड वाली। चप बस वो रेड वाली के सारी जिंदगी रेड वाली पहन कर रहूंगा क्या? ओके खुल गया शायद, ये सिर्फ मेरे नहीं होंगे मुझे लगता है, नहीं पता उधर लिखा होगा ना बाहर, इसमें कुछ नोट है। हाँ नोट्स भी है, देख लो नोट्स क्या लिखा है। किधर है जिप? जीप ये ओ रही है ना, आता रहे लेकिन खोलना आता रहे, कपड़े ही चाह दिया, ब्लैक ड्रेस। अरे वाह, ओके कुछ है इसमें, कैसे करो मोटी? इट्स फ्रॉम आवर ब्रांड, रुको रुको, फ्रॉम प्राजना क्लोथ्स नेपाल। ओके इतने सारे भेजे हैं यार। हेलो नमस्ते, धन्यवाद आमा। आमा सन्चय हुनुहुन्छ? अभी फिलहाल बात कर रहे हैं मोटू, एक हमारे आमा है बुटुल से, तो आमा कल भी बोल रहे थे कि बुआरी के साथ बात कर रहा था, बस बर्थडे की आशीर्वाद दी थी मेरे, तो बर्थडे में कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाया, तो इसलिए अभी मैं मोटू को कॉन्टेक्ट करवा दी। बात कर रही इधर, तो मेरे फोन भी नहीं उठाता है, तो आपका क्या उठाएगा? देखो तो इधर मुझे कितने सारे ड्रेसेस आए और सारे अलग अलग, ओ मेरा पैर, ना ठीक है देखो, माशाल्लाह ये सब आए, सब आए हैं, किन की तरफ से था जान? पता नहीं, दिख रहा है कि अभी। ओके हाँ, गिरा Dear Elise ma'am, we hope this message finds you well. We are from Pradana Clothes Nepal. We wow. have been following your work closely and are impressed by your influence and engagement with your people. We love your content and always want to send some beautiful dresses to you. We will be very happy to see you in these outfits. Hope you liked it and we are looking forward to your reviews.
And if possible, please share some pictures. Thank you, Pradhana Clothes Nepal. Thank you so much for sending the beautiful dresses. This one has इधर mention कर देना मोटू. ये वाला बहुत खूबसूरत है. Nice. This one is really beautiful. And I really hope कि मुझे आएगा, आराम से आएगा. This और इसके साथ जो है ना ये है. Like you know, जिस तरीके से मुझे अच्छे लगते हैं. हाँ अच्छा. Really beautiful. This one is really beautiful. वैसे तो सभी प्यारे हैं. सब बहुत प्यारे हैं. सब. और ये मैं इतना heavy one पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत प्यारा और ये heavy लग रही है, लेकिन heavy है. Heavy है नहीं. I like long long कमीज अच्छी लगती है. So thank you so much. आप लोगों को मेरी choice पता है. और white वाला. White वाला भी बहुत प्यारा है वो. ये तो बहुत हसीन है जी. बहुत क्यूट है. बहुत क्यूट है. फुल मैक्सी है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा है. टाइट हो जाएगा पीछे से. वो डोरी है. लगा दूंगी डोरी. डोरी लगेगी हो जाएगा पीछे से. पर ये देखो यूं आएगा. बहुत प्यारा लगेगा. हसीन. अच्छा ठीक. थैंक यू. थैंक यू. पर्पल वाला बहुत प्यारा है लीजे. मम्मी आज हम जा रहे हैं ब्लड डोनेशन के लिए, मैं और आयुष. अच्छी बात है. ओके गाइस, तो अभी आयुष वगैरह गए हैं. ठीक है, अभी हम नाश्ता बना रहे हैं इनके लिए, क्योंकि आयुष नाश्ता नहीं किया, मैंने भी नाश्ता नहीं किया. हम सब साथ ही नाश्ता करेंगे, उसके बाद आई थिंक 4 बजे तक निकलेंगे. तो ये ड्रेसेस बस रखने हैं मैंने. इनमें से शायद मैं कुछ पहन पाऊंगी इधर, बिकॉज अब बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है इधर. लेकिन लेट्स सी, अगर पहन पाई तो सही. और आज हम रात डिनर पे भी जाएंगे. मैंने आयुष को बोली कि मुझे जल्दी डिनर नहीं करना है, मुझे जो है ना देर से ही करना है. तो मुझे जो है ना मतलब जल्दी वो मत करवाना. 7 बजे कौन डिनर करता है यार. मुझे आदत है लाइक 9-10 बजे डिनर करने की. तो मैंने आयुष को ये आयुष भी लाइक यहाँ पे 9-10 बजे कुछ भी खुला नहीं होता है एलीज़े, और जो जगह खुली होती है वो मैं लेके जा नहीं सकता. तो आई वाज लाइक मुझे नहीं पता. तो आई वाज लाइक मैं अच्छा देखता हूँ एंड देन फिर हम जाएंगे. तो आई वाज लाइक ठीक है ठीक है. तो आयुष जब यहाँ पर आए ना, आयुष भी लाइक आज हम ये ब्लड डोनेट के लिए जाएंगे. आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज इट्स अ ड्रीम जो मुझे आयुष के साथ ही करना था एंड इट्स कमिंग ट्रू अल्हम्दुलिल्लाह. सो मुझे हमेशा से शौक है कि मैं जो है ना ब्लड डोनेट करूं, और आज वो हम करने लगे हैं. अंकल ने ऑर्गेनाइज करवाया है, वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं. अवेयरनेस भी फैल जाएगी और साथ साथ यू नो काम भी हो जाएगा हमारा. आई रिमेम्बर आई हैड अ फ्रेंड इन 8th स्टैंडर्ड. शी हैड थैलेसीमिया. उसमें भी जो है ना ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो अगर ऐसे लोगों की हम थोड़ी बहुत भी हेल्प कर दें तो कितनी अच्छी बात है. चलो नाश्ता बनाते हैं. मम्मी के लिए लगे गालियाँ वालियाँ पड़ जाएंगी. अभी बोलेंगे अरे मम्मी हेल्प करवाओ. जी जी. क्या करना है? कैमरा पहले वहाँ रखो, प्याज काटो. आज ब्रेकफास्ट तुम बनाओ. अरे ये तो छूरा है इतना बड़ा. बस एक छींक दो उसके लिए. एक छीन एक चीज, फिर बाद में मैं आप खट्टी करूंगी, फिर आप करना. फर्स्ट टाइम नाश्ता बना रही है ना नेपाल में. मैं फर्स्ट टाइम नाश्ता बना रही हूँ नेपाल में. सही बोला हूँ मैंने. वो भी आयुष बोल के गया कि मैं आपके नाश्ता करूंगा. ठंडा कर देते हैं बिल्कुल. अम्मी ने तो इधर जो है ना सब स्टार्ट कर लिया है गाइस. सब कपड़े भी धो रही हैं, खाना भी बना रही हैं. क्या करूं, तुम लोग शूटिंग पे चले जाते हो, अपनी वीडियो पे वो कर रहे हो. तो अब इसको चॉप चॉप करना है क्या? जी जी जी. चॉप चॉप. हाँ तीनों वो करो, क्योंकि मैं बासी को खाने जाती हूँ. डोंट वरी, आज आर या पार. ओ मॉम, ये तो इतनी ज्यादा स्लिपरी है यार. ओ भाई साहब, नहीं भाई नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये बहुत स्लिपरी है. नहीं भाई नहीं. अगर आयुष को बताया आपने क्या कि ये आपने काट लिए, उसको मेरे हाथ का टेस्ट पता चल जाता है. कर दूंगी मैं. बता रही हूँ मैं. अच्छा क्या कर दूंगी? ये क्या है मम्मा, देखो क्या चीज. ये देखो मैं कर रही हूँ. ये जरा दिखाओ, ये आपकी कटी हुई है. अरे और ये मम्मी की. मम्मी आपको सिखा रही ना इन्हें कुछ. हाँ ऐसे ब्याह करके भेज दिया, तभी तो मेरे अब्बू ऐसे हो गए. कैसे हो गए? आपके बाल देखो, सब इतने बाल है. तो मेरे अब्बू के सिर्फ 4 बाल है.
सिर्फ और सिर्फ इस वजह से अब मुझे पता लग रहा है ये जो आपकी ये हरकतें है ना ये सुघर बीवी है ना, सुघर बीवी घर बनाती है। देखो गाइस मैंने चाय बना दी है ठीक है, और ये सब मुझे जो है ना मेरे अब्बू से आया। पता है मेरे अब्बू बहुत सुघर है, पता नहीं मेरी मम्मी ऐसे क्यों है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एक अली से सुघर है ठीक है हमारे पूरे घर में, और एक इसके अब्बा ये बहुत बुरी बेइज्जती हो रही है। हाँ सहो के लिए मैं अब्बू के अगेंस्ट कुछ भी, अब्बू मैं आपके लिए स्टैंड लूंगी। हाँ हमें ऐसे बोलती है, एक बार ना मैं छोटी थी मेरा ना आर्ट कंपटीशन था, अम्मी उस वक्त ना दुबई में होती थी ठीक है, अब्बू आए हुए थे पाकिस्तान ना, प्रोजेक्ट बनाना था डायनासोर बनाने थे, अब्बू ने ऐसे डायनासोर बनाए थे वो थर्मापोल की शीट पे, वो मैं लेके तो गई ले जाके कचरे में फेंक दिया था। अब्बू आए, अब्बू ने मुझसे पूछा कैसा लगा तेरी टीचर को, अब्बू बहुत अच्छा लगा। मैं क्लास में लेके ही नहीं गई यार, वो ऐसा था वो कसम से। और अब्बू को खुद भी पता था, पता है अब्बू को खुद ही पता था, अब्बू बोले थे इतना तो अच्छा है। और मैं कैसे बनाती थी, अम्मी तो ऑसम ड्राइंग करती है, मगे ड्राइंग सब मम्मी से आया है हमको, बस गुस्सा चिड़चिड़ाना ये इनके पापा की तरफ से। ये खानदानी खानदानी, मुझे तो कोई गुस्सा भी करता है तो मैं कहती हूँ अम्मी को तो गुस्सा ही नहीं आता, सेम आयुष की तरह यार, ओ माय गॉड। जब ये चिल्लाती है ना हम इनका मुंह देखते हैं, ये चिल्ला रही है बात कर रही है क्या हो क्या रहा है, लेकिन आप लोग डरते हो नहीं डरते ही बस आंखों से, फिर एकदम से मौत आ जाती है। चिल्लाना जरूरी नहीं है अम्मी, कि मैं चिल्ला अम्मी आपको कसम है हाँ पप्पा की, हाँ। क्या बोलोगी आयुष को, बोलो जल्दी। अल्लाह पप्पा की कसम दी है मम्मी बोलो, मैंने पापा की कसम दी है, बोलूंगी ये ऑमलेट जो है मैंने बनाया, ये बोलना है ना। अभी मैं यहीं से कूद के छलांग मार लूंगी, कुछ भी नहीं होगा, जमीनी जख्मी होगी तुझे कुछ नहीं होगा। मम्मी से इधर मार मार के छेद कर दूंगी, इधर ब्लैक होल बना दूंगी मैं, बोलो ना मम्मी प्लीज। क्या आपने बनाया, हाँ पूरी बात है ना, झूठ नहीं बोलते हैं क्यों पता है, आप दादी से झूठी बोलती होगी पापा के लिए, कभी भी नहीं बोलना, या नानी से झूठी बोलती होगी, कभी भी झूठ मत बोलो मम्मी आपकी लव मैरिज है, हाँ लव मैरिज है लेकिन कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन एक बात याद रखो, सच बोलने से कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, एक झूठ एक उसके लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, तो बेहतर नहीं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, बोलो इससे बेहतर ये नहीं है कि सच बोल के जान छुड़ा। अभी देखो क्या आपको झूठ बोलना पड़ेगा, सिर्फ एक झूठ बोलना है उससे मैं देखो कितना हो जाएगा यार प्लीज। अभी मैं झूठ बोलूं कि आपने बनाया, कल को वो तुझे बोले कि मुझे ऑमलेट बना के, तो मैं बनाती हूँ बस ये स्लिपरी है ना मम्मी, चलो इसमें नहीं काटो हाथ से काटो जैसे मैं काटूं, ला ठीक छा ला ठीक छा, वो यार अब्दुल जालिम बस पहले एक प्याज का बड़ा रख के, अब मत करना ग्रीन चिल्ली निकाल के दो, अभी देखना इसको कितना मालूम है, हाँ एक महीने से यहाँ रह रही है लेकिन क्लीन चिली कहाँ से निकालेगी, मैं देखती हूँ फ्रिज में होगी, निकाल के दो फ्रिज में होगी, वो तो मालूम है इतनी भी नहीं हूँ मैं, चलो अच्छे से वॉश करो, दो पीस दो मुझे, किसको शॉपर को अलीजे, कितनी चाहिए, दो पीस निकालो वो ज्यादा थिक ही नहीं खाता, दो पीस निकालो इसे अच्छे से वॉश करके, बस दो, हाँ सिर्फ नलका खोल के उसके नीचे नहीं रख लेना हाथ से वॉश करना, हाँ तुम गंदगी से काम करती हो, चलो रखो तो सही है, डिटर्जेंट लगा के धोती हूँ, सही है उसके ऊपर रखो, है छोटी वाली प्लेट उठाओ अलीजे, सुघर बन आप मुझे बोल रहे हो सुघर बनो, अरे वासे कहाँ रह गया उसको बोलो चाय में, फिर ज्यादा कर लगता है वो नहाने गए ना, वो नाली से कहीं निकल लिया चूल्हा बंद कर दे अलीजे, चूल्हा बंद कर दे, अब सबके साथ ही नाश्ता करेगा, कुछ लोग भी आते होंगे ना अलीजे, मेरे आंखों में बहुत बुरी लाइट लग रही है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दे, ये लो रो मत, मैं कह रही हूँ लाइट लग रही है, सॉरी क्या हो गया, कसम से मैं कर रही थी पूजा मम्मी ने, मम्मी क्या मुंडी ला रही हो, हाँ हाँ आप अंडे तोड़ रही है ना, सही है मम्मी, तो आज तो मम्मी गई,
आज तो मम्मी गई, जल्दी कर भूख लगी मेरे बच्चे को। तो गाइस इधर चाय मस्त बन रही है और वो ऑमलेट, ठीक है मैंने ये ना थोड़ा मेसी लग रहा था तो मैंने जो है ना प्लेट के अंदर ये सारी बेकरी आइटम्स करके रख दी हैं ताकि यू नो थोड़ा रिप्रेजेंटेबल तो रख लगे। अब ये उबाल आ जाए तो इसको कैटल में डालेंगे। तो ये खा रहा है मस्त यहाँ पे। क्यों आज के जाने पड़ेगी? हाँ प्रीमियर के लिए। हाँ हाँ वैसे प्रीमियर पे क्या पहनेगा? मैं ऐसे सोच रहा हूँ छड्डी आयुष भाई को आप देख सकते हैं। आयुष भाई कैसा लग रहा है आपको? अच्छा जी आयुष भी आइए। मुझे बहुत उछल रहा है, तू रुक। हाँ हाँ हाथ पता क्यों कर रही हो भाई को? भाई मारो क्या? मैंने कि चाय फेंक दूंगी आयुष, डिजाइनर चाय जैसी शर्ट हो जाएगी। कितने की सर्दी बताइए? 750 रुपए देगी तू? मुझे तैयार होने दे रहने के लिए ऐसे। मेरे कान दर्द कर रहे हैं। जाओ। वाओ। पहले मैं ऐसे चिल्लाती थी पता है? नहीं 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 आराम से रखो। मुझे उठा दूंगा अभी, जैसे उठा के जैसे पूरा फैमिली डर लटका दूंगा। ओह माँ की सो गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है तो हम जा रहे हैं अभी। मुड़ू तुमने बोला कि कहाँ जा रहे? हाँ जी ब्लड डोनेशन के लिए। आज हम ब्लड कैंपिंग ले जा रहे हैं और अभी सीमा में आरन और वासी और मुटु चार्ज नहीं, क्योंकि दो दिन हमने खूब चलाई वो गाड़ी को तो इसलिए उसको आज चार्ज में रख दिया है। बस 3 घंटे लगेगी तो वो हो जाएगी, तो फिर से मैं लाके होटल में रखूंगा, घर में लेके जाऊंगा। अभी फिलहाल स्कूटी दे रख दी, बस सब लोग गाड़ी में जाएंगे। और हमारे दीपेश दा आज लॉन्ग टाइम के बाद नोसी होगी, दीपेश दा के साथ भी लॉन्ग टाइम नोसी कर लेते एक बार। ओके चलो लॉन्ग टाइम नोसी दाई किन हो? ओहो दीपेश दा हाम्रो लॉन्ग टाइम नोसी दाई कहाँ हो आज? हामी त यहीँ छ नि हजुरको त हो गायब। कुरा के हो आमा, पुरै दाई त चम्किरहनु भयो त आजकल त, पुरै ग्लो भयो त दामी, दाईको पुरै ग्लो भएको छ आजकल त। नमस्ते नमस्ते जी, आप जल्दी बैठिए इधर, मैं उधर से आऊँगा। नहीं दिलाएंगे हम प्रिंसेस जी, आपकी दांत में वो जख्म हो जाएगी फिर। ऐसी करनी बताई फिर लेट करती है लड़की, तो इसीलिए बातों बातों में बुला के इसको इधर उधर बोल के जल्दी करा लेंगे हम सब कुछ। तो चलो इधर आरंभ जा रहा है। ओके गाइस तो हम ऑन द वे हो गए। कितना टाइम लगेगा जान? और तो फिर साधा कौन लगता है 20 मिनट्स लगेंगे। अच्छी मौसम है यार आयुष, ऐसा आकाश कब जा रहा है? क्या हुआ रे?
गाइस मैं फर्स्ट टाइम की जगह इतनी करीब से देख रही हूँ जो मैं ड्राइंग्स वगैरह में देखती हूँ। क्या है यही होता है ना वीडियोस पिक्चर्स में ज्यादातर जब काठमांडू दिखाते हैं तो शिवागर बस ब्लड में अनि आज भी हम कैंप और हर एक हम लायंस क्लब अफ काठमांडू ब्लक को चार्टर प्रेसिडेंट अब लायंस क्लब अफ काठमांडू नॉर्थ अध्यक्ष वहाँ हम चार्टर प्रेसिडेंट हम न्यू जेनेरेसन में चेतना का विकास भैर खुशी समाज सेवा अंतरराष्ट्रीय लेवल में हम अभी जो है बहनी संबंध हजू संबंध कसो लगे संबंध प्रगाढ़ बनो हम खुशी छा विदेश में रहकर आए पाली सेवा करी कश्चिम गए भूकंप में सेवा कर विभिन्न ठाव में सेवा कर हमें खुशी लगता बाहर के मानी मानवीयता यह वर्ल्ड वाइड संस्था में हमें जिस लगे संसार भरी हम सेवा कर हिड़ किसी हजर लाइन्स गर्नु पर्छ है हजुरले समाज सेवा गर्नु भएको छ संस्थामा जोडिएर समाज सेवा गर्दा फरक अनुभूति पाउनुहुन्छ फरक खालको हामी 45-50 हजार जति गरी हामी नेपालको परिवेशमा लाइन्सहरू छौँ अनि लाइन्सहरू धन भन्दा पनि मनका धनी है मन एकदमै राम्रो भएको असल मित्रहरूको एउटा समूह हो यो समूहमा एकदमै हजुरलाई स्वागत गर्न पनि चाहन्छु है अबदेखि हामी सँगसँगै समाजसेवा गरौँ त्यसैले गर्ने हो विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले जहाँ निडी हुन्छ त्यो निडी पिपलहरूकै सेवा गर्छौँ थोड़ा सा घास बना कसके रख कि इसको छुटना जाए आप दिन पड़ेगा अब आयुष आयुष आप फॉर्म फिल कर रहे हो क्या है ये फॉर्म फिल फॉर डोनेशन खाली पायो तिमी बेडमा जानुपर्छ
म पनि फर्स्ट टाइम आइस सँग फर्स्ट टाइम बोल्ने तो अभी अंकल आईएपी का फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि आईएपी को नेपाली नहीं आती पूरी की पूरी। आईएपी वहां पर बैठी हुई है। आईएपी आइए पहले करो। रीश भाई यहां पर है। ये रहे हरियाणा भाई। हाँ तो यार अभी हरियन भाई अपना नाम लिखवा रहे हैं ब्लड देने के लिए। हाँ ये भी आप इधर ही देखो। See madam, see madam, I did 85 time donors, still no problem. I don't take any medicine till today. This is starting, beginning of your life. कुछ भी नहीं है, बस क्या है, ठीक है, बस हो तो गया। वैसे ही रालीजे का फोन वैसे का अब उतर जाओ, अब उतर जाओ, अब उतर जाओ। वहां पर आ रहा है आयुष भाई का फोन। ये सॉरी ये रहा यप्पी का। ऐसे ऐसे कर रहा है। आईपी कैसा लग रहा है? अरे एपी आपको तो बड़ा थोड़ा थोड़ा निकल रहा है यार, थोड़ा जोर लगाओ, जोर लगाओ। आयुष भाई देखो कैसे खुशी खुशी में पूरा एक बैग खत्म कर दिया है। ये देखो रो रो के इसका आधा बैग भी कंप्लीट नहीं हुआ। खून भी स्लो निकालती है। ओ हरियाणा भाई आपकी बारी। अब वासे के बारे में मैं तो निकाल लूंगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, बहुत इजी। अरे तेरे पर है ना रहा। आयुष भाई को देखो कैसे मस्ती में आराम से खून दे रहे। आईएपी को देखो फुल टेंशन में आके अब ये खून कहाँ से आएगा, इतना सारा एक बैग है। और अंकल भी खून दे रहे हैं उधर। तो आयुष भाई आपका खून निकल गया, कैसा लग रहा है? फील ही नहीं हुआ यार, कुछ भी यार, कुछ भी फील नहीं हुआ। दूसरे हाथ से दे, दूसरे हाथ से भी दे रहे हो आप? दे दो, दे दो, दे दो भाई। आईपी का बैग कितना भरा है? अरे यार ये तो कुछ दिया ही नहीं तुमने अभी तक, पर जल्दी करो। चला है ना इसलिए अच्छे चला था क्या? सेकंड सेकंड नहीं है मेरे में फोन मामा सारा ये पी गया। जोड़ लगाओ, जोड़ नहीं ऐसे करना पड़ेगा, बट जोड़ नहीं, थोड़ा सा टाइट तो करो। रक्तदान जीवन।
और अंकल भी इधर ही ब्लड दे रहे हैं मेरा। हो गया नानू बाहर गया। एक बैग फाइनली भर दिया लीजिए ने। इतना टाइम लिया आपने? नहीं टाइम नहीं, ठीक है ठीक टाइम है। ऐसे ही रखने कैसा लग रहा है? अच्छा है। फीलिंग क्या आ रही है? अच्छी आ रही है। कैसी फीलिंग? Awesome. आईएपी को थोड़े थोड़े चक्कर आने लग गए हैं ना, है ना झटी? हाँ नजर आ रहा है। ओ सुराग देखो छोटे बच्चे। हाँ जी ये क्या हो रहा था? 2 मिनट की ये क्या था? ये कोई बॉलीवुड मूवी चल रही? क्या अरे छोटा छोटा बैग निकाले, ज्यादा नहीं निकाला, कुछ नहीं है ये। ना ना एकदम ठीक निकाले। आयुष भाई भी कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। आयुष भाई का तो ग्लो अप हो गया। हाँ आयुष भाई आप ना, हाँ अरे चेक तो करो। ओ, 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 ओ। गाइस तो यहाँ पर एपी और आयुष भाई लेटे हुए पीछे, मतलब हर जगह ही बहुत लोग आ गए यार, भीड़ बहुत हो गई है इधर। जुम्मू धेरै जुम्मा रे आ रहे हैं हनुमान मा फेल हो रहे हैं। फेल हो रहा है तभी बैंडेज है। सब तो फर्स्ट टाइम यार। तो यहां पर सब बुलेट डोनेशन दे रहे हैं, ड्राइवर टाइप भी दे रहे हैं। भाई उठ गए हैं बॉस। भाई कैसा लग रहा है? अरे अच्छी लग गई यार, इधर लेट लेट दिख तो रहा ही नहीं भाई। सही ओ भाई इतना सा सुराग है और यार नाटक देखो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, समोसा भी है इधर, जलेबी भी है। निशान आ गया है? नहीं कुछ नहीं है, वो ठंड पाओ तो सही है। तो यहाँ पर अलीजे और आयुष भाई उठे और वहाँ पर भीड़ लग गई। क्या हुआ एपी? तो टिश्यू पेपर ले दो, तो टिश्यू पेपर। क्या रुपए? आईएपी को चक्कर आ रहे हैं। तो आईएपी इज इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन राइट नाउ। आईएपी इज इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन राइट। आयुष भाई को देखो वो इधर पे खड़े हो गए, टेंशन में आ गए कि ये क्या हो रहा है इसको। ये देखो तो अभी इतना नाटक करके, अभी इतना नाटक करके चक्कर आ रहे थे। मैंने बोला मेरा हाथ पीछे रख लो कि गिर ना जाओ, और अभी एकदम ठीक हो गई। थोड़ा आराम कीजिए,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इधर एक ही स्पॉट पे कितनी भीड़ लग गई है, हद से ज़्यादा लग गई है ऑनेस्टली। और ड्राइवर दा यहाँ पर हैं, इरान भाई, मामा और एपी और आयुष भाई। अरे तो ये मैंने जूस खोल दिया और मैं दे रहा हूँ एपी को, आइए आपका जूस पी लो। स्ट्रॉ नहीं है। और एपी को अभी ये सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं और अप्रिसिएशन, आयुष मिस्टर आयुष सिंह ठाकुरी और मिसेस अलीसे जमाली। इधर देखो, अरे यार मैं भाई कैसे आगे बैठ गए वो पे। गाइस अभी भी आप देख सकते हैं इतना ज्यादा क्राउड है यहाँ पर, तस्वीरों की है अभी भी। गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और बारिश हो रही है इधर और बहुत ज़्यादा क्राउड भी लग गया था, हमें यहाँ से जल्दी निकलना था लेकिन क्राउड की वजह से रुकना पड़ा। अब बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, हल्ला करे बस तेज़ ना हो। ओए वो रे दाई स्लिप मत होना, स्लिप लेगा ये यार अच्छे से। नहीं नहीं आया हूँ बहुत बार, आईएपी यहाँ पर आती है बोलती है ये क्या है, फिर मामा बोलते हैं पार्किंग, पार्किंग है ये। मामा देखो क्या बोल रहे हैं, एकदम एकदम गारो मलाई भाई। अंकल रुक से, अंकल अंकल रुकिएगा, अंकल को बोल देना रुक जाए। अरे उसके कर्ली बाल होंगे। बटर स्कॉच छा, कुकीज एंड क्रीम छा, बटर स्कॉच मलाई ट्राई कराऊं ना। ठीक से नहीं हो, हम सब यहाँ पर बाहर खड़े हुए, हम लोग आइसक्रीम ले रहे थे और आईएफटी हो गई है फुल पैस्ड आउट। सही है, यहाँ से देख सकते हो उसकी हालत हो गई है बहुत ख़राब, क्योंकि आई थिंक इसने ब्लड ज़्यादा डोनेट कर दिया या कोई ऐसा सिस्टम है, आई हैव नो आइडिया, बट हाँ इसको अभी हवा लगनी चाहिए आई थिंक, तो हम डिगी वगैरह सब कुछ खोल रहे हैं। सो गाइज अभी हम इधर फ्रेश जूस पी रहे हैं, ठीक है, तो मोटी भी इधर पी रही है, थोड़ी सी मोटू को चक्कर आ गई थी तो अनकॉन्शियस हुई थी, तो इसीलिए मोटू को इधर लेस भी लेके दिया, लेस वेस खा रही है और ये जूस भी पी रही है मोटू, ठीक है अभी चलो। थोड़ी सी वीकनेस हो गई क्योंकि सुबह से इतना कुछ नहीं खाई थी ना, अभी कभी भी नहीं हुआ मुझे, ऐसी कुछ नहीं होती, बस वो ब्लड मतलब नॉर्मल नॉर्मली होती रहती है, जो ब्लड देता है ना सिर्फ ऐसी होती है। चलो ठीक है,
लेटा के रखे थे क्या पिए से ना, इसलिए बोला था वो जूस पियो चावल, पसंद नापसंद की चीज़ नहीं होती ना उसमें, पीना चाहिए। इतने ज़्यादा लोग बैठे ना इसलिए। तो अभी सब कुछ ठीक है, मोटू भी अभी अच्छी तरीके से हो गई है नाटक। हेलो, आपने उठा के लाए मुझे? नहीं, डोजर बोला था। मैंने मैं जुला कर दिया डोजर बोला गया तो मैं अलग उठाने। नहीं नहीं नहीं, किलो उठा रहे थे इससे मुझे। नहीं, मैंने इसे समाता था किसने उसकी वजह से। मामा आप ये सब लो, चश्मा आइसक्रीम मोबाइल सब मेरे पास डाल दिया। हाँ। आपने उठा लिया शायद, आइसक्रीम तो फेंक दिया मैंने मतलब इनमें। एक आइसक्रीम फेंक गया, उसके बाद मैंने कितने 850 का बिल पेमेंट किया। कुछ भी नहीं है यार। oh <my God. laughs> उचार लिया के तो ले ऐसे करके सीधा गाड़ी करने लेके रख दिया, उसके बाद पानी वानी लाया ये हो गया। आप डर गए थे? हाँ तो पागल है। मुझे सिर्फ आपका फेस याद है, पता है आपको लास्ट टाइम बोला मामा मामा मैं गिर गई ऐसे करके कुछ बोला मैंने आपको, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद। मामा मैं गिर गई गिर गई गिर गई बोला। आयुष बिनाजू आयुष उसके बाद देखा तो नहीं। नहीं ये उधर कितने लोग आया था, डॉक्टर भी एक कुत्ता ये था, हम देंगे उनको डॉक्टर भी आए थे उधर, बट वो लोग देखने नहीं पाए क्योंकि आई से लेकर गाड़ी में रख दिया। किसी ने देखा, मैं तो सीधा लगे गाड़ी के अंदर रख दी ना हॉस्पिटल देने के लिए। तो अभी हम आंटी के घर पर आए हैं और लिटरली मुझे इतनी कमजोरी हो रही है और मैं मैं पीछे से ना पूरी गीली हो रही हूँ। शायद मैं वहाँ पे बैठ गई थी, मुझे कुछ याद भी नहीं है क्या हुआ था। अब मैं व्लॉग बना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मोटू इधर और हम पकता ला कैसे हुई। अंकल हंस रहे हैं। चोको जा दूध खाना, चोको जा दूध खाएगी। मोटू के लिए इधर दूध गर्म हो रही है, चोकोस भी उधर रेडी हो रही है। चोको चोको जा दूध खाएगी और पपाया खाएगी। ओके बाइक लेकर गई थी। चलो दूध दूध गर्म हो रही है मस्त तरीके से। लो मोटू। तो गाइस मैं इधर ड्रैगन फ्रूट खा रही हूँ, आंटी बोलती हैं बोल रही हैं कि इससे खून बढ़ जाएगी। इतना सब कुछ ओके गाइस, तो हम जा रहे हैं घर पर और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो आयुषा मैं जा रहे हैं, गाड़ी को हमने रात को चार्ज पे लगा दिया था जब हम रात को लाइव आए थे इंस्टाग्राम पे। अभी 96% हो गई और इसके बाद आयुष जाएगा एडिटिंग देखने के लिए गाने की प्रीमियर के लिए, क्योंकि अब एक दिन रह गया है। सो देखते हैं घर जाके क्या है। पूरी भीग गई हूँ पता है, आई नीड टू चेंज द ड्रेस। ओके गाइस, तो मस्त आयुष ने गाड़ी चला के अब हम इधर पार्किंग में रखेंगे गाड़ी और फिर जाएंगे। ये था बराबर की नज़र को, ये था साइड बराबर। इतना रख लूँ ना? तुझे भी था बराबर ना? मकड़ी का जाल? देखो इधर पानी कितना जम गई है। ओह माय गॉड, रिजो है ना ये था, इसको बोलो बेटे को। मामा हमने यहाँ चीता देखा, चीता बाघ का बच्चा। हाँ बिराला है ना, ये ठुल्ले कुकुर ये था, बिदर कुकुर था ना। ये बच्चे होला के की को स्याल होला के ना
अब मुझे जो है ना समझ आती है कि आयुष को जो है ना क्यों नफरत होती है बारिश से। नहीं नहीं मुझे कभी भी बारिश से नफरत नहीं हो सकती। शतरंज मम्मी मम्मी मैं बेहोश हो गई थी सच्चे से अल्लाह की कसम। क्यों फर्स्ट टाइम तो बेहोश तो नहीं होना चाहिए था। बेहोश हो गई तूने उस हेडिक ले लिया अच्छी बात है बेटा कोई बात तो क्या? So guys, अभी फिलहाल हम मतलब वो वीडियो की मतलब अमर गाने आ रही है उसकी सब कुछ देख के आ गए मैं मामा वासे आर्यन भाई सब लोग तो मोटी तो सो रही इधर फिलहाल मस्त तरीके से तो बस उसकी ब्लॉग की इधर ही एंड कर देता हूँ मैं। तो अभी रात की 12 भी बजने वाली ऑलमोस्ट तो पता नहीं मोटू कभी ईट करके कब डालेगी क्योंकि आज बहुत टायर्ड फील हो रही है ना उसको तो ब्लॉग देने की वजह से तो इसीलिए वो अभी रेस्ट कर रही है जब वो जाएगी अलार्म रख के सो जाएगी अभी तो जब जाएगी वो ब्लॉग एडिट करके डाल देगी। चलो गाइज अभी मैं इधर एंड कर देता हूँ आज की ये ब्लॉग तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग होप यू लाइक इट। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब मूव पलम पल ना करने भूलिएगा। सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन बाय बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।